नमस्कार, मैं हूँ इरम फातिमा और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज के ब्लॉक तालीग्राम में नामांकन कराने गए भाजपा अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष शीलू नकवी और भाजपा नेता दिलदार हुसैन पर हुआ हमला। जी आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि जब वो नामांकन कराने गए तो सपा के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। जी इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में उनको कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं और हमले में उनकी गाड़ी पूरी तरह से कर दी गई। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो सपा के कार्यकर्ता एक दिन आप लोगों के घर से बेटियां भी उठा ले जाएंगे। आइए देखते हैं आगे क्या कुछ कहना है उनका। ये सपा की गुंडागर्दी आगे नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगी और मैं दावा करता हूँ मेरी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। सिर्फ योगी जी का ये है कि जो है जो भी सपाई हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। और मैंने आज देखा कि किस तरीके से पूरा ब्लॉक घिरा हुआ था। अगर अन्यथा ऐसा चला तो आगे जो है सपा वाले पेटियां भी उठा के ले जाएंगे और इस तरीके की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जी नमस्कार, मेरा नाम शीलू नकवी, जिला उपाध्यक्ष, मैं सौरिक से। आज की घटना का क्या तात्पर्य है? ये घटना ये है कि मैं सौरिक से छिबरांव जा रहा था और छिबरांव पहुंच के मैंने नामांकन कराया। नामांकन करा के फिर मैं गुरसागंज हुआ। गुरसागंज होने के बाद में तेरा जैकेट में नामांकन चल रहा था, वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल हुआ जैसे सपा की गुंडागर्दी खत्म ही नहीं हो रही है। लगभग 100-200-300 लगभग समथिंग के संख्या में लोग आए और वो उर्दा चालू कर दिया। चालू करने के बाद हमला कर दिया, ईंटों डंडे और फायरिंग वगैरह कर दिए, जिसमें हमारी गाड़ी जो थी वो केयूवी गाड़ी पर हमला कर दिया। हमला करके उन्होंने गाड़ी पूरी फोड़ दी। अगर मैं यहाँ से वहाँ से नहीं भागता तो हम जान और माल से खो बैठते। वहाँ से तत्काल मुझे निकलना हुआ और मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी जो है इस घटना को संज्ञान में लें। ये गाड़ी पे प्रहार किया, आप पे प्रहार किया? जी हाँ, क्यों नहीं। अंकित यादव नाम का लड़का था जिसको मैं समझा रहा था और बाकी उनके साथी थे उनको मैं बता रहा था कि ऐसा आप ना करिए, ये दंडित अपराध है, लेकिन वो नहीं वाले, आप ऐसे खोए हुए थे। उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। जब ये घटना हुई तो उस मामला क्या था, वहाँ पे क्या बेस क्या था? बेस ये था कि अंदर नामांकन हो रहा था, हम लोग बाहर खड़े, बाकी सब लोग अंदर थे और हम जैसे अंदर जा रहे थे तत्काल जो है एकदम अचानक 400-500 लोग यादव लोग उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके ईंट पत्थरियाव चालू कर दिया। अंदर पहले पत्थरियाव करा, बाद में उन्होंने बाहर जितने भी गाड़ी निकली बाहर सबको तोड़फोड़ करी और उसमें हमारी जो जिला उपाध्यक्ष गाड़ी नाम दिखा था उनको उससे ज़्यादा विरोध था। उन्होंने सबसे पहले उसी ऊपर अटैक किया। नहीं, भाजपा को देखते ही उन्होंने अटैक किया आपके पास? जी जी, भाजपा की गाड़ी को देखते ही, ऐसी मेरी गाड़ी उन्होंने देखी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा लिखा, वैसे उन्होंने नाम पढ़ा और तुरंत हमला अटैक कर दिया। आओ देखा ना उन्होंने, ताओ देखा। भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन सख्त सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे जान माल का हमला हुआ है और गाड़ियों क्षतिग्रस्त हुई, तो हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये सपा के गुंडे अगर ये चाह रहे हैं कि जबरदस्ती हम सरकार बनाएंगे, हर हरगिज संभव नहीं हो सकता है और आने वाले चुनाव में भाजपा ही सरकार यूपी बनाएगी।